हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम, डीओपी पोस्टल टेक में आपका स्वागत है। इन दिनों सैप में टाइम्ड आउट कनेक्शन के टाइम्ड आउट संबंधी जो इरर आ रहा है, ये उसी के संदर्भ में इस वीडियो को बनाया गया है, जो जिसमें कुछ माइनर सेटिंग करना है। सेटिंग करने के बाद फिर से आपका पहले जैसा लॉगिन पेज मिलेगा और फिर से आप सैप पे सारा काम कर सकते हैं। बने रहिए, देखते रहिए डीओपी पोस्टल टेक। भी आता है ईसीपी, जब खोलेंगे तो आपको कनेक्शन टाइम्ड आउट का एरर आता था, ऐसा टाइम्ड आउट अकर्ड, ये एरर आ रहा था। यू वांट टू सी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन। एक पल के लिए हम लोग इसके डिटेल्स को चेक कर लेते हैं कि आखिर ये बोल क्या रहा है। तो कभी कभी ग्रुप सर्वर का जो ग्रुप सर्वर कभी कभी काम नहीं करता है, इस हिसाब से ऐसे ही इसीलिए ऐसा कुछ होता है इसका। तो टाइम डाउट, ये रनिंग टाइम डाउट। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि इसको कैसे सही किया जा सकता है। इससे पहले आप इसे समझ ले कि ये है क्या। चलिए, वो ऑप्शन है जहाँ पे आपको जो करना है उसको बताया गया है। प्रथम इसके ईसीपी के प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। ईसीपी पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आएँ। प्रॉपर्टीज ये खोलने में भी आपको टाइम लगेगा, होता है कि एक मिनट का भी वेट करना हो, दो मिनट का भी वेट करना हो। जिसमें प्रॉपर्टी पर क्लिक करें उस समय और कोई भी बटन नहीं पुश कीजिएगा, क्योंकि बटन पुश करते ही नॉट रिस्पॉन्डिंग का वो ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे ईसीपी खुला है, इसमें हम लोग चेक कर लेंगे गुड सर्वर सिलेक्शन ईसीपी। और ये जो ऑप्शन है यहाँ दिया हुआ, यहाँ पर जो ये ऑप्शन है उस ऑप्शन को चेक कर लेंगे। और ग्रुप सर्वर में जो डीओपी ईसीपी जो है इंस्टेंट नंबर 83, इस इंस्टेंट नंबर को हम तीन पार्ट में चेंज कर सकते हैं। एक पार्ट ये यहाँ हमने स्पष्ट कर दिया है कि एक पार्ट ग्रुप सर्वर का, ये चार पार्ट है, ये अभी फ़िलहाल ये अच्छा काम कर रहा है। तो डीओपी ईसीपी जो है आपका ऑप्शन, उसमें डाउनलिस्ट करेंगे। डाउनलिस्ट करने का ऑप्शन जो है वो यहाँ पर दे रखा है। डाउनलिस्ट करने के लिए यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स पर ये जो है इस पर ड्रॉप लिस्ट पर डाउनलोड करेंगे। और ड्रॉप डाउन करने के बाद अब ये प्रोसेसिंग में लेट लगा रहा है। ड्रॉप डाउन बॉक्स खुला। इस बॉक्स में आप देखिए जो हमने ऑप्शन दिखलाया था 55 का, 70 का, 60 का।